नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नंबर वन चैनल के नंबर वन शो में आज एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसकी चर्चा पुतिन का हर दुश्मन कर रहा है। ये तस्वीर देखकर ज़ेलेंस्की के पाले में खड़ा हर देश परेशान हो गया है, खासकर वो देश जो यूक्रेन को टैंक सप्लाई करने पर राजी हो गए हैं। ये 10 मिनट की रिपोर्ट आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि फरवरी के महीने में पुतिन कैसे अपनी सबसे खतरनाक पावर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पुतिन के सबसे सीक्रेट गोदाम का गेट खुलता है और फिर सामने नजर आता है पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन, जो इससे पहले छुपा कर रखा गया था। इस हिटमैन को करीब से देखिए। इस हिटमैन में लगी 2 लाइट जल जाती हैं और फिर शुरू होता है इसका ऑपरेशन। पुतिन का ये हिटमैन अचानक गोदाम से क्यों निकला और निकलते ही क्यों हमले की प्रैक्टिस करने लगा, ये बात बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसके पीछे है एक तस्वीर। ये तस्वीर इस वक्त पूरे यूरोप में वायरल हो रही है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को ये तस्वीर दिखाई गई। पुतिन की खुफिया एजेंसी इस तस्वीर को जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका में भी फैलाने लगी है। इस तस्वीर में पुतिन की नेटो से सबसे बड़ी दुश्मनी छुपी हुई है। इस तस्वीर ने यूक्रेन को बहुत ज्यादा डरा दिया है, क्योंकि इसी तस्वीर में पुतिन का सबसे बड़ा चैलेंज छुपा हुआ है, क्योंकि इसी तस्वीर में पुतिन की सबसे बड़ी धमकी भी छुपी हुई। इसी तस्वीर में पुतिन बार बार बता रहे हैं कि टैंक तो ले आओगे, लेकिन उन्हें रूस के हेलीकॉप्टर से बचाएगा कौन। ये वो तस्वीर है जिसके वायरल होने के बाद मान लिया गया है कि पुतिन ने नेटो के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार जानबूझकर एक्सपोज कर दिया है। पुतिन नेटो के टैंक को कैसे घेर कर मारेंगे, पूरी डिटेल इस तस्वीर को डिकोड करके समझी जा सकती है। इस तस्वीर में जमीन पर जर्मनी का वही लेपर्ड टैंक है जो अब यूक्रेन को मिलने जा रहा है, और उसके ऊपर मंडरा रहा है Mi-28 हेलीकॉप्टर, जो रूस का बहुत ही खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। इस फोटो में मैसेज साफ है, वो ये कि लेपर्ड का शिकार Mi-28 हेलीकॉप्टर करेगा और पुतिन इस बार यूक्रेन के टैंकों को बख्शने वाले नहीं है। ये तस्वीर 1995 की है, जब स्वीडन अटैक हेलीकॉप्टर लेने की तैयारी कर रहा था और तब उसके सामने रूस का Mi-28 भी एक ऑप्शन था और उसका सामना अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर से था। तब सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस यूरोप के लिए बड़ा खतरा नहीं माना जाता था और स्वीडन ने रूस के इस अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने में भी दिलचस्पी जाहिर की थी। स्वीडन ने तब अपने लेपर्ड टैंक और इस रशियन हेलीकॉप्टर की एक्सरसाइज भी कराई थी। ये तस्वीर तभी की बताई जा रही है। टैंक के ऊपर एक हेलीकॉप्टर के मंडराने का मतलब है कि टैंक मर चुका है या मारे जाने की कगार पर है। और अब यूक्रेन युद्ध में लेपर्ड के आने की खबर ने इस तस्वीर के साथ Mi-28 हेलीकॉप्टर, जिसे अंग्रेजी में हैवॉक कहा जाता है यानी प्रलय, उसका खतरा सबको नजर आने लगा है। स्वीडन से आई रिपोर्ट में बताया गया था कि Mi-28 को बहुत कामयाब माना गया। इसका मेंटेन करना यानी इसका रख रखाव ज्यादा आसान था। इसका फायर कंट्रोल सिस्टम और इसके अचूक निशाने को भी पूरे नंबर मिले थे। देखिए, जब ये हेलीकॉप्टर अपनी एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है तो दुश्मन के टैंक की तरफ वो कैसे बढ़ती है और उसे तबाह कर देती है, ऐसी ही खूबी स्वीडन ने भी इस हेलीकॉप्टर में देखी थी। 2 पायलट वाला ये हेलीकॉप्टर, यानी एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम ऑपरेटर जो मिसाइल लॉन्च करता है, ये 1980 के दशक में तैयार किया गया था। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार किसी भी ग्राउंड फॉर्मेशन को हैरान कर सकती है। ये हेलीकॉप्टर 435 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। अब इस हेलीकॉप्टर के हथियारों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि वो इसकी शक्ल की तरह ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस हेलीकॉप्टर में 30 मिलीमीटर की एक गन लगी होती है, जिसमें 250 ऐसी गोलियां होती हैं जो बख्तरबंद गाड़ी को भी भेद सकती है। इस हेलीकॉप्टर को सामने से देखेंगे तो आपको इसके और वेपन सिस्टम के बारे में पता चलेगा। इसमें 16 अताका एंटी टैंक मिसाइल लगी होती है। इस हेलीकॉप्टर से 80 मिलीमीटर के 40 रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसमें दोनों तरफ एकला जैसी एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई जा सकती है और बारूदी सुरंग भी लॉन्च की जा सकती है। टेस्ट के दौरान Mi-28 की मिसाइल फायरिंग वाली ताकत देखकर सब चौंक गए थे।
इसकी अथाका एंटी टैंक मिसाइल ने 4680 मीटर की रेंज पर टारगेट को दबा किया था और ऐसा तब हुआ था जब MI-28 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। तब इसकी एंटी टैंक मिसाइल टारगेट के 3 फीट की दूरी पर लगी थी, जबकि इस हेलीकॉप्टर के रॉकेट 4 किलोमीटर की दूरी तक सटीक पाए गए थे और 40 में से 35 रॉकेट अपने निशाने पर लगे थे। इस हेलीकॉप्टर को 30 घंटे तक उड़ाया गया था और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। रूस के हथियार अपने इसी रफ टफ वाले टैग को लेकर मशहूर है। ऐसे सटीक हमले और ऐसी फायर पावर देखने के बाद स्वीडन बहुत हैरान रह गया था और उसकी एक्सरसाइज में ये साफ साफ तो नहीं बताया गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लेपर्ड जैसा टैंक देश का आसान टारगेट बन जाता। हालांकि तब स्वीडन का हेलीकॉप्टर सौदा टल गया और कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब इस हेलीकॉप्टर की तस्वीर उस लेपर्ड टैंक के साथ आने के बाद इसकी चर्चा होने लगी है। इस हेलीकॉप्टर और इसके चैलेंज को लेकर तस्वीर बहुत साफ है। अब पुतिन ने बता दिया है कि लेपर्ड यूक्रेन आएगा तो उनका प्रलयंकारी हेलीकॉप्टर यानी MI-28 उसके बख्तर को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर देगा और इसके साथ ही नेटो के प्रीमियम हथियारों की इज्जत दांव पर लग जाएगी। ये बात अब साफ हो गई है कि यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है। और फरवरी में ही ऐसी लड़ाई देखने को मिल सकती है कि पूरी दुनिया चौंक जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को 3 फ्रंट के नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसोन हार चुके हैं, लेकिन इसके बाद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक अब यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसीलिए पुतिन ने अपनी आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है उसका सेंटर पॉइंट टैंक युद्ध ही है। इसीलिए पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वालेरी गेरासिमो को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वालेरी गेरासिमो आर्मर कोर ऑफिसर है और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसीलिए जनरल वालेरी गेरासिमो के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की वो जुगलबंदी जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 3000 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। इस दावे की पुष्टि स्वतंत्र स्रोत से नहीं की जा सकी है। वहीं युद्ध से पहले यूक्रेन के पास करीब 2000 टैंक थे और अब नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की को नाटो से टैंक लेने पड़ रहे हैं। ये बात साबित करती है कि रूस ने यूक्रेन की टैंक वाली ताकत पूरी तरह खत्म कर दी है और अब ज़ेलेंस्की पूरी तरह अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने पर निर्भर है। इसलिए कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की की टैंक वाली ताकत पूरी तरह खत्म हो गई है और उनकी नजर अब नाटो के 2 टैंक पर है जो उनको जल्दी ही मिल सकते हैं। ये बहुत फुर्तीले हैं, बहुत घातक है। हमला ऐसा करते हैं कि टारगेट को हिलने का मौका नहीं मिलता। लेपर्ड को आप देख चुके हैं। Сучасні західні танки, про постачання яких ми домовляємось з партнерами. Я дякую всім, хто вже ухвалив відповідні рішення. Я дякую пану президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був сьогодні в Києві, який дуже чітко закликає Європу. अब देखिए ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक जो ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में इतना ऊपर है कि ब्रिटेन ने करीब करीब उस पर मुहर लगा दी है। टैंक को लेकर ज़ेलेंस्की की डिमांड ऐसी है चाहे वो ब्रिटेन हो या जर्मनी, नाटो को लेकर ज़ेलेंस्की की टैंक वाली ख्वाहिश बहुत बढ़ने लगी है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब 10-20 नहीं बल्कि पूरे 300 टैंक चाहते हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस से लड़ने के लिए नाटो उन्हें 300 टैंक की डिलीवरी जल्दी से जल्दी करे। Also provide an ability to move efficiently around a battlefield, but of course they have much more firepower. And so it's perfectly understandable why President Zelensky, facing what he's facing in the Donbass and expecting to face those same threats going forward in coming weeks, would want some tanks, additional tanks. डॉनबास का मोर्चा सिर्फ और सिर्फ टैंक ही जिता सकता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को यूरोप से ही 2 बहुत खास टैंक मिल रहे हैं। पहला है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और दूसरा है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। Леопард, челленджери вже. І я думаю, вони навіть без пострілу будуть втікати.
Це велика мотивація для піхоти, коли танки рядом. Ну, у них теж бойовий дух піднімається, тому вони менше страху, ніж без танків. Ну, а з танками, ще якщо з леопардами чи челенджерами, це, я думаю, як почнемо штурмувати, це не зупинимося. अगर ये दोनों टैंक यूक्रेन आए तो इनकी टक्कर रूस के दो बहुत ही खास टैंक से होगी। एक है रूस का T-72 V3 टैंक जो T-72 का आधुनिक वर्जन है और दूसरा है T-90 जो रूस का ऑन ग्राउंड सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। इनमें भी T-90 का आधुनिक वर्जन है जो जनरल वालेरी गेरासिमोव की नजरों के बीच रूस की सेना में शामिल हुआ और इसका यूक्रेन में कैसे इस्तेमाल करना है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि पुतिन इस बात को ध्यान में रखते हुए टैंक वॉर पर फोकस कर रहे हैं। जनरल वालेरी गेरासिमोव अब रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर हैं और वो चाहेंगे कि युद्ध उनके हिसाब से लड़ा जाए और ये बात याद रखनी होगी कि जनरल गेरासिमोव को टैंक युद्ध में महारत हासिल है। लेकिन अब उनके सामने यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो वाले टैंक का चैलेंज है क्योंकि जल्दी ही यूक्रेन की फौज लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंकों से लैस होगी और ये रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती कही जाएगी। यही वजह है कि रूस अब टैंक वॉर को दो हथियारों की जुगलबंदी के साथ लड़ना चाहता है। पहली है ग्राउंड फोर्स, इसमें एक है T-90 टैंक और साथ में T-72 V3 टैंक और दूसरी फोर्स है हेलीकॉप्टर यानी MI-28 के साथ Kamov-52 हेलीकॉप्टर। वालेरी गेरासिमोव चाहते हैं कि ये दोनों ताकत मिलकर आगे बढ़े और यूक्रेन की फौज को कुचल कर रखे। टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं तो ये एक दूसरे की ताकत भी बन जाते हैं। एक अटैक हेलीकॉप्टर एंटी टैंक मिसाइल के साथ लैस होता है और वो दुश्मन के टैंक को टारगेट करता हुआ अपनी फौज के टैंक के लिए रास्ता साफ करता है। पुतिन के नए कमांडर अब इसी रणनीति के साथ यूक्रेन से लड़ना चाहते हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है अगर आप इसकी जीप काट। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।